हेलो माय डियर सेलोफोनिस्ट, आज की स्टूडियो में हम सीखने वाले स्टे सॉन्ग। तो चलिए इस गाने को सीख लेते आसानी से सेलोफोन पे। तो इस सॉन्ग के स्टार्टिंग में म्यूजिक है, तो इस म्यूजिक को लाइन बाय लाइन सीखेंगे। तो इसके नोटेशन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट वाले म्यूजिक में E F G F E F C, आपको ऊपर नोटेशन आ गए रहेंगे, आप उसकी मदद से भी ज़ैलोफ़ोन बजा सकते हो। तो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसमें बस ये डी नोट टेक्स्ट है, फिर ये नेक्स्ट जो नेक्स्ट लाइन है ये एकदम पहले वाले जैसा है जो स्टार्टिंग में था, तो सेम वैसा ही E F G F E F C। और फिर लास्ट वाला है म्यूजिक में E F G F B F F E E F E C D, बस इसमें ये जो पार्ट है ना उसमें बस E नोट एक्स्ट्रा है, बाकी का सब सेम है। तब गाने की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट लाइन है आई डू द सेम थिंग आई टोल्ड यू दैट आई नेवर, ऐसा ही ये। तो इसके नोटेशन देखेंगे ई एफ एफ जी ई एफ एफ जी बस, और फिर ई ई ई ई ई ई ई ई, ये 7 टाइम है, क्या होता मैंने 6 टाइम भी बोला रहेगा, ई बजाया रहेगा पर ये 7 टाइम है ई, और फिर एफ एफ ऐसा। फिर नेक्स्ट लाइन आती है आई टोल्ड यू आई डिड चेंज इवन व्हेन आई नो इन आई नेवर कुड, तो इसमें भी सेम लाइन है जो पहले वाली थी ओई, तो ऐसे दो लाइन बचेगी, तो रिपीट कर दो फर्स्ट लाइन, बस हो गया आपका। तो नेक्स्ट लाइन है आई नो दैट आई कांट फाइंड नोबडी एल्स हैज गुड एज यू, तो ये भी सेम है, ये तीनों लाइन सेम नोट्स है तीनों लाइन के, तो आप तीनों लाइन बजाते जाओ ऐसे, ये कि बस ध्यान में रखो आप इसको 3 बार रिपीट करो, ये तीनों बार बज जाएंगे, ये इसे बस 3 टाइम रिपीट कर दो, बस हो गया। और फिर नेक्स्ट लाइन आती है आई नीड यू टू स्टे है, तो इसके नोटेशन ई एफ एफ बी फिर एफ जी जी सी शार्प और फिर ए डी, कुछ ऐसा आपको बजाना है। तो इन लाइन को आपको एक साथ बजाना है ऐसा, तो ये हो गया। फिर उसके बाद लाइन आती है आई गेट ड्रंक वॉक अप आई एम वे स्टिल, तो इसमें इसके नोटेशन देखते हैं सी बी ए फिर वापस 2 टाइम्स ए फिर जी फिर ए ए, कुछ ऐसा आपको बजाना है। और फिर नेक्स्ट लाइन है आई रियलाइज दैट टाइम दैट आई वेस्टेड हियर, तो इसके नोटेशन देखते हैं सी ई फिर बी ए फिर ए को वापिस 2 टाइम फिर जी ए ए, और फिर नेक्स्ट लाइन है आई फील लाइक यू कांट फील द वे आई फील, तो इसे भी पहले वाली लाइन जैसे ही बजाना है सेम। और फिर ये वाले लाइंस को एक साथ बजा के देता,
इसके बाद वाली लाइन है, ओ आई विल बी फक्ड अप इफ यू कांट बी राइट हियर। तो ये कुछ आपको ऐसा बजाना है। तो इसका नोटेशन देखेंगे, बी ए जी ए जी एफ ई, और फिर नेक्स्ट थोड़ा रुकना है क्योंकि उधर एक म्यूजिक है, ओ, तो इसमें भी तीन है ना, ओ, तो इसे भी हम बजाएंगे। तो पहले ओ को एफ, मीन्स ऐसा, तो आपको ऐसे 5 बार बजा के फिर वापिस होई, आई विल फक्ड अप इफ यू कैन बी राइट हियर, यही बजाना है। तो इसके बाद वाली लाइन है, आई डू द सेम थिंग आई टोल्ड यू दैट आई नो आई नेवर वुड। तो ये हमने सीखी हुई है स्टार्टिंग में ही, तो आपको यही रिपीट करना है कुछ ऐसे। तो लाइन के नोटेशन बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, ई एफ एफ बी ई, 7 टाइम ई, फिर एफ एफ एफ, और फिर नेक्स्ट लाइन वही थ्री थ्री लाइन्स है, 3 बार रिपीट करने का। तो फिर उसके बाद वाली लाइन है, तो आई डू द सेम थिंग, ये हो गया, फिर आई टोल्ड यू आई डिडंट चेंज, फिर उसके बाद आई नो दैट आई कांट, फिर उसके बाद आई नीड यू टू स्टे। ये चारों लाइन आपने प्ले कर दी तो आपका सॉन्ग हो गया। मैं आपको एक बार वो चारों लाइन प्ले करके दिखाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और नए सॉन्ग के साथ। तो अगर आपको आपका फेवरेट सॉन्ग मैं बजाऊं ज़ाइलोफोन पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका फेवरेट सॉन्ग। तो तब तक के लिए बाय बाय।